good morning students now in this video we will learn about conservation of soil students we know that soil is an important natural resource and we all are directly or indirectly dependent on it do you know children it takes millions of years to form soil so we should protect the soil from its erosion so what is soil conservation द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्राम इट्स इरोजन इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स जो प्रोटेक्शन होता है सॉइल का उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई द फॉलोइंग वेज तो फर्स्ट वे इज़ ई फॉरेस्टेशन ई फॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स ऑन बैरन लैंड इज़ कॉल्ड ए फॉरेस्टेशन बैरन लैंड का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है बेयर एरिया द स्पीड ऑफ विंड और फ्लो ऑफ वाटर कैनॉट भी कंट्रोल बाई ह्यूमन बींग्स बट द सॉयल इरोजन कॉज ड्यू टू दैम कैन बी प्रीवेंटेड बाई प्लान मोर ट्रीज तो जिस जगह पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इरोजन कम होता है या फिर होता नहीं है दिस इज बिकॉज द रूट्स ऑफ प्लाट्स एंड ट्रीज होल्ड द सॉयल टाइटली एंड रिड्यूट रिड्यूज इट्स इरोजन ऑल्सो द मेक द सॉयल मोर फर्टाइल बाई एडिंग यूमस टू इट यूमस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिकम्पोज होकर सॉयल में मिक्स हो जाती हैं और यूमस बनाती हैं सेकेंड वे है ग्रोइंग प्लांट्स एंड ग्रास आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग द लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर ड्यूरिंग दिस टाइम ग्रास और सम अदर प्लांट्स कैन बी ग्रोन टू बाइंड द सॉयल पार्टिकल्स तो जब क्रॉप हारवेस्टिंग होती है मीन्स जो फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद में फील्ड को बेयर नहीं छोड़ना चाहिए और वहाँ पर कुछ ग्रास वगैरह ग्रो कर देने चाहिए दिस हेल्प्स इन प्रीवेंटिंग सॉयल एरोजन ग्रोइिंग बुशज एंड ट्रीज अलॉन्ग द एजेज ऑफ द फार्मलैंड एक्टेड विंड बोरियर्स एज द रिड्यूज द स्पीड ऑफ विंड द रिड्यूसिंग सॉयल एरोजन तो जो फील्ड होते हैं उसके आस पास में ये जो एजेज होती हैं किनारों पर हमें क्या कर देना चाहिए वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो कर देने चाहिए या फिर ट्रीज लगा देने चाहिए जिससे इरोजन कम होता है नेक्स्ट इज अवॉइड ओवरग्रेजिंग ओवरग्रेजिंग रोकनी चाहिए जो एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स एक ही एरिया में जब प्लांट्स ग्रो तो नहीं होते उतने लेवल पे लेकिन जो कैटल होते हैं वो क्या करते हैं बार बार उस ग्रास को खा लेते हैं या फिर उस एरिया को उस एरिया की वेजिटेशन को खाते रहते हैं उससे क्या होता है वहाँ का जो लैंड होता है वो बेयर हो जाता है और सॉइल इरोजन वहाँ पे होने लगता है तो ये रोकना चाहिए ओवर ग्रेजिंग एक ही एरिया पर रोकनी चाहिए दूसरी जगह पर उनको अलाउ करना चाहिए ग्रेज़ करने के लिए नेक्स्ट वे इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एम्बैगमेंट्स मीन्स क्या होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड एम्बैगमेंट्स मीन्स जो रिवर साइड पर वॉल्स बना दी जाती हैं स्टोन्स की या रॉक्स की जिससे कि पानी का जो बहाव होता है वो तो रुक जाता है जिससे उसके साथ में जो मिट्टी जो कट के जाती है वो भी कम हो जाती है उसको बोलते हैं एम्बैगमेंट्स तो स्ट्रॉन्ग एम्ब एम्बैगमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ दाइड्स ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम हेल्प फ्रीवेंट फ्लड्स इन द एड फील्ड्स एंड फ्रीवेंट्स सॉइल इरोजन तो रिवर्स के दोनों साइड में अमैगमेंट्स बनाए जाते हैं जिससे कि उसमें मिट्टी के साथ में पानी के साथ में जो मिट्टी के जाती है वो जो वॉल्स बनाते हैं उससे वो काफ़ी हद तक रुक जाती है या फिर कई बार कंस्ट्रक्शन किया जाता है डैम्स का तो डैम्स का पर्पज़ क्या होता है कि जब पानी एकदम फ्लो के साथ बहता है तो डैम्स में रोक लिया जाता है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलता है उससे क्या होता है कि एकदम से जो मिट्टी पानी के साथ जो मिट्टी बह के आती है वो वहीं पर सेटल हो जाती है तो कई बार डैम्स भी बनाए जाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और नेक्स्ट मेथड है स्टेप फार्मिंग स्टेप फार्मिंग क्या होता है स्टेप फार्मिंग फार्मिंग इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेरिस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि स्टेप्स बना दिए जाते हैं स्लोप्स पे या फिर हिल्स पे ऑन हिल स्लोप्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड इट कैरीज अवे अ लॉट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फार्मिंग इज़ डन बाई कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप्स दिस मैथड इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग क्या होता है कि जब हिल्स पे फार्मिंग की जाती है तो वहाँ से जब मिट्टी बहते हुए पानी के साथ क्योंकि वहाँ पे रिवर फ्लो सॉरी फ्लो ऑफ वाटर काफ़ी तेज़ होता है बहाव तो पानी के तेज़ बहाव के साथ जो फर्टाइल सॉइल होती है टॉप सॉइल बहते हुए टॉप से नीचे आके सेटल हो जाती है तो वो फिर प्लेन्स पे आ जाती है उसको सॉयल एरोजन को रोकने के लिए स्टेप्स बना दिए जाते हैं उससे क्या होता है कि वो स्टेप्स पे पानी अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एक जो मिट्टी है वो नेक्स्ट स्टेप पे जा रुक जाएगी फिर थोड़ी मिट्टी दूसरे स्टेप पे जा रुकेगी ऐसे ऐसे करके वो रिड्यूस हो जाता है सॉइल इरोजन दिस रिड्यूसिज द स्पीड ऑफ वाटर एज इट फ्लोज डाउन एंड देरफोर रिड्यूज सॉयल इरोजन ऑल्सो द सॉइल इरोडेड फ्राम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप दिस फर्दर रिड्यूस द लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरिस फार्मिंग सो दीज आर द फ्यू वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ़र्स्ट वोज़ एफॉरेस्टेशन जहाँ पर आप मैक्सिमम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं सेकेंड था ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्म लैंड्स मीन्स जो बैरन एरियाज हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद बेयर पड़े रहते हैं वहाँ पर आप ग्रास ग्रो कर सकते हैं या फिर कोई और वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं जिससे सॉयल इरोजन रुक जाता है थर्ड वोज़ अवॉइड ओवर ग्रेजिंग मीन्स कैटल को एक ही जगह पर अलाउ नहीं करना है ग्रेजिंग के लिए जिससे कि वहाँ की वेजिटेशन ख़त्म ना हो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंगमेंट्स एम्बैंगमेंट्स मीन्स जो फ्लड्स को भी रोकने के लिए या फिर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए रिवर साइड्स में कुछ रॉक्स या स्टोन से वॉल्स बना दी जाती है उसको बोलते हैं एम्बैंगमेंट्स तो so ये कर ले कर सकते हैं और लास्ट था स्टेप फार्मिंग स्टेप फार्मिंग के थ्रू भी हम सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं So, in the next video, we will discuss uh, exercises, book exercises, and question answers. Okay, goodbye, take care, students.